हे नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत है आपका स्मार्ट टेक के फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों ये है IQ9 लेजेंड सीरीज। जी हाँ, IQ9 लेजेंड सीरीज, और आज हम इसका अनबॉक्सिंग करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने अमेज़ॉन से मंगाया है, 42,990 इसका प्राइस है। बट हमने एक्सचेंज में जो कि रेडमी नोट 8 प्रो था उसको हमने एक्सचेंज कर लिया, जो कि हमको आसपास 8,000 के आसपास लेस हो गया। तो बहुत ही बढ़िया मोबाइल मिला है, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए इसके फीचर्स, इसके डिटेल स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ इस अनबॉक्सिंग में। ये देखिए, यहाँ पर कुछ बताया गया है, कुछ पीछे इस तरह से दिया गया है, अमेज़ॉन से लिया गया है। बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त अब तक का IQ सीरीज में IQ9 लेजेंड सीरीज। जी हाँ, तो ये जो बॉक्स है, ये देखिए अभी रैप निकाल दिया है। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह से, यह इसका बॉक्स पैकिंग थोड़ा सा फिट है, बट नो इशू। ये देखिए, यहाँ से हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपको चार्जर मिलेगा 120 वाटेज का। जी हाँ, बहुत ही जॉइंट ह्यूज 120 वाटेज का चार्जर दिया गया है, जो टर्बो या फ्लैश चार्ज आप कह सकते हैं, जो बहुत ही प्लस पॉइंट मुझे लगा इसका सबसे बड़ा एडवांटेजेस। क्योंकि आजकल इनबॉक्स में इतना हाई 120 वाटेज का चार्जर कोई नहीं दे रहा है। जी हाँ, तो ये IQ9 लेजेंड सीरीज़ में आपको मिल जाएगा। जी हाँ, और इसमें एक बात मुझे खटकी, तो चलिए वो बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये बॉक्स अभी हम निकालने वाले हैं, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से रैप दिया गया है। ये देखिए वाइट कलर में है, जो 3 लाइनिंग्स आपको दिख रहा है वो लेजेंड सीरीज़ है, इसलिए यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए 256 GB इंटर मेमोरी का हमने लिया है, 12 GB रैम के साथ। बहुत ही बढ़िया वेरिएंट मुझे पसंद आया, क्योंकि ये गेमिंग के लिए यूज़ करना था, तो इसलिए हमने हाई कॉन्फ़िगरेशन, हाई स्पेसिफिकेशन वाला यहाँ पर मंगा लिया है। तो कुछ बुकलेट्स दिए गए हैं, कुछ वारंटी कार्ड्स इसमें दिए गए हैं, कुछ मैनुअल डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है, सिम कार्ड इजेक्टर टूल दिया गया है। जी हाँ, और एक TPU केस दिया गया है, जो ठीक है, ठीक ठाक है। तो यहाँ पर देखिए अभी और अंदर क्या दिया गया है, यह है चार्जर का कॉर्ड। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही थिक, हम यूँ कहिए बहुत ही मोटा सा और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का केबल दिया गया है। जी हाँ, और होगा भी प्रीमियम, क्यों ना होगा, क्योंकि 120 वाटेज चार्जर जो दिया गया है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, बैटरी के लिए खासकर कितना चलेगा, कितना कम टाइम में चार्ज होगा, वो पूरा डिटेल आपको इसका अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा। ये 120 वाटेज का चार्जर दिया गया है, जो सबसे बड़ा एडवांटेजेस मुझे IQ9 लेजेंड सीरीज में लगा। ये सिम कार्ड एजेक्टर टूल यहाँ पर दिया गया है, और इसमें ये कनेक्टर दिया गया है, क्योंकि 3.5 mm जैक मिसिंग है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी नाराज़गी लगी, 3.5 mm जैक मिसिंग है, बट USB टाइप सी दिया गया है उसमें कन्वर्टर के लिए। तो काफ़ी अगेन ड्यूअल स्टूडियो स्पीकर्स दिए गए हैं, जो काफ़ी ज़बरदस्त साउंड आउटपुट देता है। तो ये देखिए डिस्प्ले, खतरनाक ह्यूज डिस्प्ले दिया गया है। बैकग्राउंड में जो है पूरा जो फिनिशिंग है, थोड़ा सा ग्लॉसीनेस के साथ दिया गया है। कैमरा भी गिम्बल वाला कैमरा दिया गया है इसमें, 48 MP प्लस 13+13 ऐसे दिया गया है रियर में, और फ्रंट है 16 MP। ठीक है, और इसका प्रोसेसर है सबसे लेटेस्ट अब तक का स्नैपड्रैगन 888 सीरीज़ का 8th जनरेशन का SOC 1 प्रोसेसर दिया गया है, जो गेमिंग के लिए भी, हाई गेमिंग के लिए भी ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया मोबाइल बताया गया है। जी हाँ, डिस्प्ले 2.5K डिस्प्ले, अमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट इसमें सपोर्ट करता है। तो अगेन गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। तो मुझे लगा कि चलो थोड़े देर से ही सही इसका जो अनबॉक्सिंग है मैं आपको सामने बताऊं, बट इसका सबसे बढ़िया मुझे लगा बैटरी चार्जिंग और बैटरी का। तो वो अलग से वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, उस पर बताऊंगा। आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करना इस वीडियो में कि आपको ये अनबॉक्सिंग कैसा लगा, इसमें कुछ आपको दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो या इश्यू हो इस मोबाइल में IQ9 लेजेंड सीरीज में, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, मैं आपको जितना मेरे तरफ से बन सका या बन पाया उतना मैं आपको हेल्प ज़रूर कर दूंगा। बस इस वीडियो में इतना ही था, मैं आपको बताना था। अगले वीडियो में इसका चार्जिंग पे लेकर आऊँगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है, खास स्पेसिफिक मैंने उस पर वो वीडियो बना, ऐसा मुझे लगा, इसलिए अलग से वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद।